So students, today we will start errors in C. So there are actually five type of errors that can occur in C language. Syntax error, runtime error, linker error, logical error or semantic error. अब इन errors के definition और उनके examples के through इनको देखते हैं जल्दी से. तो notes भी आपके सामने दिख रहे हैं, आप इनसे notes भी बना सकते हैं और ये complete notes हैं errors के बारे में. तो syntax error, हमारे कंपाइलर के थ्रू पता चलती है, इसलिए इसे हम कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हैं. दूसरा, हमारे जो सी के सिंटैक्स हैं उसको लिखने में अगर हमारे प्रोग्राम में हमसे कुछ गलती हो गई है, हमने उन रूल्स को वायलेट कर दिया, तो सिंटैक्स एरर आएगा. जैसे कि हम अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस देखें कि माई नेम इज राम, ठीक, अब हमने लिख दिया सपोज इसमें माई नेम आर राम, तो ए आर ई आर यहाँ पर गलत है, राइट. और दूसरी चीज, अगर हमने लिख दिया सपोज माई नेम राम इज, तो ये भी सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल नहीं है, कुछ इसमें भी एरर है क्योंकि ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है. उसी तरह से सी लैंग्वेज की अपनी एक वोकैबुलरी है, सेट ऑफ रूल्स हैं. सो वो सेट ऑफ रूल्स अगर हमने फॉलो नहीं किए तो जो एरर आती है उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर, और ये कंपाइलर शो करता है इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, राइट. बस यही दो पॉइंट्स इसकी डेफिनेशन लिखने हैं, फिर इसके एग्जांपल्स आ गए. जैसे कि हम मिसिंग पैरेंथेसिस, जैसे हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ओपन किया लेकिन क्लोज नहीं लगाया, या कर्ली ब्रेस ओपन किया क्लोज नहीं लगाया. सो ये एरर्स हमारी ज्यादातर टर्बो सी में पॉसिबल है क्योंकि वहां वो पेयर कंप्लीट नहीं करता है, जबकि हम अगर डेव सी या कोड ब्लॉक या वीएस कोड करेंगे तो हमेशा पेयर कंप्लीट करेगा. मतलब वहां पर ये है कि अगर आप ओपन कर्ली ब्रेस लगाएंगे तो क्लोज कर्ली ब्रेस वो खुद लगा देगा, लेकिन फिर भी ये एक पॉसिबिलिटी बनती है. दूसरी जो सबसे पॉपुलर एरर होती है जो नए प्रोग्रामर्स से जनरली हो जाती है, वो है कि सेमी कोलन कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना. तो यहाँ पर हमारे पास जो एरर आती है वो है सेमीकोलन मिस कर जाना. जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कोड किया है, इसका आउटपुट भी आपको बताऊंगा. जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, ये इस सिंटेक्स एरर को इलस्ट्रेट करता हुआ एक एग्जांपल है, राइट. इस एग्जांपल में x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15 और ये एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है. हर एक स्टेटमेंट जो मेन के अंदर है और इंडिपेंडेंट है, राइट, जैसे कि int x ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, सो सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा. int y एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा. उसी तरह से printf भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो ये भी सेमीकोलन से टर्मिनेट होना चाहिए, लेकिन नहीं किया है. सो यही एक एरर है यहाँ पर, और ये सिंटैक्स एरर है. सो एरर का मैसेज क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर कर्ली ब्रेस टोकन. सो कर्ली ब्रेस ये है, इसके पहले ये वाली लाइन है, यहाँ पर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है और वो नहीं दिया गया है, इसलिए ये एरर आई है, ठीक. सो अब इसका अगर हम सपोज यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें तो क्या इसका आउटपुट आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको इवेलुएट किया जाएगा. ब्रैकेट में कॉमा ऑपरेटर है, कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट से राइट चलता है, तो एक्स को इवेलुएट करेगा वैल्यू 10 आएगी, आगे बढ़ेगा वाई की इवेलुएट करेगा वैल्यू 15 आएगी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट 15 आएगा जो इस परसेंट डी से प्रिंट हो जाएगा, और वो तब होगा जब सेमीकोलन लगा होगा. अभी यहाँ पर एरर है ये. इसी तरह से एक और लॉजिक लिखा हुआ है जिसमें कि एक लूप होते हैं ना हमारे पास सी लैंग्वेज में, तो उसमें एक व्हाइल लूप है. सो व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखी जाती है, एक वेरिएबल होगा या कोई भी ऐसी चीज या कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर हम वन भी लिख सकते हैं, वो इनफाइनाइट व्हाइल लूप कहलाता है. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो ब्लैंक नहीं हो सकता या फिर एक वैल्यू के अलावा कोई और चीज यहाँ नहीं हो सकती, राइट. तो यहाँ पर ये एरर है. तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर डॉट टोकन व्हाइल, ये यहाँ पर एक एरर है. इन द गिवन एग्जाम्पल व्हाइल लूप का सिंटेक्स गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए था. तो ये दो एग्जाम्पल सफिशियंट हैं सिंटेक्स एरर बताने के लिए. नेक्स्ट एरर पढ़ते हैं, रन टाइम एरर. रन टाइम यानी कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, कंपाइलेशन और दूसरा रनिंग. तो कंपाइल टाइम वाली चीजें तो कंपाइलर पकड़ लेता है, लेकिन एक बार हमने अगर रन कर दिया प्रोग्राम को तो अब कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि उसमें रन टाइम पर भी कुछ एरर आ जाएंगी. तो उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर, सबसे आसान एग्जांपल जो याद हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम डिवीजन बाय जीरो एरर. क्योंकि सिंटेक्स में ऐसा कोई एरर नहीं आने वाला है. अगर आप किसी वेरिएबल को किसी वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, जैसे इस एग्जांपल में देखें तो डिव इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई जीरो है. तो इस एक्सप्रेशन में सिंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं है, लेकिन जब ये प्रोग्राम रन होगा तो जीरो से डिवाइड होने पर रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाता है. तो वही चीज यहाँ पर सी का कंपाइलर में बताएगा कि यहाँ पर इसमें एरर है. और ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोग्राम में कुछ बताएगा भी नहीं, ये प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा. तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसको, पूरे प्रोग्राम को देख करके, कि कहीं पर कुछ रन टाइम एरर आ रही है जिससे प्रोग्राम हमारा एब्रप्टली एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया है. और एक ये वार्निंग मैसेज यहाँ जरूर कंपाइलर देगा. सो आप
अलग अलग कंपाइलर्स में अलग अलग तरह से आता है। ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये सब डेव सी प्लस प्लस के एग्जांपल हैं, लेकिन आप अपने कंपाइलर पर देखिएगा तो वहां पर भी एक वार्निंग मैसेज आएगा डिवीजन बाय जीरो। ये कंपाइलर का अपना लिखने का तरीका है। तो ये रन टाइम एरर है, राइट। देन नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एरर टाइप ऑफ एरर है लिंकर एरर। हमारे कंपाइलेशन के प्रोसीजर में लिंकर का क्या रोल है? हमने प्रोग्राम को लिखा, असेंबलर और कंपाइलर ने उसको डॉट सी से डॉट ओबीजे फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे कीवर्ड्स, है ना, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड चीजें यूज कर रखी हैं जिनको हमने डिफाइन नहीं किया है। वो कंपाइलर में लाइब्रेरी में कहीं पर ऑलरेडी डिफाइंड है। सो लिंकर उनकी उस डेफिनेशन को हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड करता है, ठीक। जैसे हमने अगर पाव फंक्शन लगाया, मैंने एक एग्जांपल लिया, पाव फंक्शन लगाया तो हमें अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, क्योंकि पाव फंक्शन की डेफिनेशन या डिक्लेरेशन यहाँ पर इसके अंदर है, ठीक। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी, प्रोटोटाइपिंग एरर या अनडिफाइंड रेफरेंस टू फंक्शन पाव, ऐसा करके आ सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है, तो देखिए यहाँ लिखा है कंट्रोल प्लस एफ नाइन की, है ना, रन करने के लिए। कंट्रोल एफ नाइन किस में होता है? ये टर्बो सी में होता है, फाइल विद मेन ऑब्जेक्ट यूजिंग, या इसको हटा देते हैं, यूजिंग ई रन अ प्रोग्राम, राइट। कंपाइलेशन तो हो गया, अब रन करते समय जो आएगा वो लिंकर एरर यहाँ पर भी होगा। कंपाइलेशन के बाद रन टाइम एरर भी कंपाइलेशन के बाद आती है, लिंकर एरर भी कंपाइलेशन के बाद आती है। और लिंकर एरर को शो कौन करता है? इसको भी कंपाइलर ही शो करता है, लिंकर के पास कोई पावर नहीं है एरर शो करने की। लिंकर विल कम्युनिकेट टू कंपाइलर अबाउट एरर एंड कंपाइलर विल डिस्क्राइब इट, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए मेन एक स्टैंडर्ड कीवर्ड है, इसकी स्पेलिंग बदल दी है, एम कैपिटल कर दिया है, अब पूरे प्रोग्राम में उसको मेन मिलेगा नहीं, तो ये एक एरर आ जाएगी उसमें, राइट। सो ये लिंकर एरर है, लिंकर एरर। दूसरी एक लिंकर एरर मेन की स्पेलिंग गलत होने की बताई मैंने, और दूसरी लिंकर एरर मैंने यहाँ पर बताई है ये पाव फंक्शन वाली, ठीक। इसको देख लीजिए, तो ये भी एक एरर हो सकती है अगर हम पाव फंक्शन यूज करें और ये हेडर फाइल ना लगाएं, तो एरर हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट एरर पर आते हैं, लॉजिकल एरर। सबसे ज्यादा कॉमन एरर जो नए प्रोग्रामर्स से हो जाती है, जबकि वो सिंटेक्स वाइज एकदम करेक्ट काम कर रहे हैं। ये नए प्रोग्रामर से नहीं होती, ये थोड़ा एक्सपीरियंस प्रोग्रामर से होती है। नए प्रोग्रामर से कौन सी एरर होगी? सिंटेक्स एरर सबसे ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने में थोड़ा सा पुअर होंगे, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। तो लॉजिकल एरर क्या होगी? प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली बट द आउटपुट विल नॉट बी एज यू हैव एक्सपेक्टेड। सो जो आपने एक्सपेक्ट किया वो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर तो सिंटेक्स की एरर पकड़ेगा या लिंकर के थ्रू जो एरर आ रही है वो पकड़ेगा, राइट, या नॉर्मली टर्मिनेट कर देगा तो रन टाइम एरर आ जाएगा, लेकिन लॉजिकल एरर नहीं आएगा। लॉजिकल एरर आपका सिर्फ आउटपुट से ही रिफ्लेक्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, सपोज हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एल ओ ओ पी, ये एक वर्ड है एल ओ पी, इसको थ्री टाइम्स एज आउटपुट। तो तीन बार हमको ये एल ओ पी प्रिंट करना था, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर हमने फॉर लूप के लास्ट में एक सेमीकोलन लगा दिया है। अब सेमीकोलन को यहाँ पर क्या होता है, सेमीकोलन को यहाँ पर एम्प्टी बॉडी मानते हैं, यानी नल स्टेटमेंट। तो सेमीकोलन लगाने से ये जो फॉर लूप है ये अपनी इस बॉडी से डिटैच हो गया। तो ये जो लूप लिखा हुआ है, ये जो बॉडी बनी हुई है ना फॉर लूप की, ये लूप वाला पार्ट हमारा फॉर से डिटैच हो गया। तो फॉर से डिटैच हो गया का मतलब क्या, फॉर लूप एग्जीक्यूट तो करेगा, प्रॉपरली टर्मिनेट भी करेगा, लेकिन ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और हर बार क्या चलेगा, एम्प्टी बॉडी। यानी पर हम लिख सकते हैं कि जो सेमी कोलन होता है, सेमी कोलन इज रिप्रेजेंटेड एज एम्प्टी बॉडी, एम्प्टी बॉडी, राइट। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते थे, जैसे हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए और उसमें जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसको इनिशियलाइज जीरो से कर दें तो रिजल्ट हर बार जीरो आ जाएगा फैक्टोरियल का। सो वो भी लॉजिकल एरर ही है, जीरो इज, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एम्प्टी बॉडी। एम्प्टी बॉडी का मतलब होता है ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेस, राइट, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में सेमीकोलन जो है वो कंपाइलर को ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेस दिख रहा है, ठीक, ये ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेस दिख रहा है। सो इसकी वजह से फॉर लूप की बॉडी हो गई एम्प्टी,
तो वो जब आई की वैल्यू 0, 1 और 2 तीन बार चलाएगा, तीन बार एम्प्टी बॉडी चलाएगा, और फिर जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कंडीशन की वजह से फेल हो जाएगा, फिर नीचे आएगा और प्रिंट एफ करेगा लूप को एक बार। तो इसमें जो आउटपुट आएगा उसमें लूप जो है वो एक बार प्रिंट होगा। तो अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट विल बी LOOP, एक बार आएगा सिर्फ। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, सिमेंटिक एरर। यहाँ ये एरर कब होती है, जब हम प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिख दें जो मीनिंगफुल ना हो, और कुछ उस डेफिनेटली अभी उसके रूल्स को ही वॉयलेट कर रहा है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, माने थोड़ा सा अलग है, सिंटेक्स एरर एग्जैक्टली नहीं है, सिमेंटिक एरर बोलते हैं इसको। जैसे हम मैथ्स में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं लिख सकते। तो कंपाइलर में अगर हमने ए प्लस बी इक्वल टू सी लिख दिया, क्योंकि इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, सो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड को असाइन करता है, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आपने एक्सप्रेशन लिख दी तो फिर इसको करना क्या चाहिए कि पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करे, ए प्लस बी करे, लेकिन वो एक रिजल्ट आएगा, वो एक वैल्यू होगी, अब वो सी को असाइन नहीं कर सकता। इसीलिए ये करेक्ट है जो ग्रीन कलर से, सी इक्वल टू ए प्लस बी तो करेक्ट है कि ए और बी का समेशन निकालेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको सी को दे देगा, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन इसमें सिमेंटिक एरर है, जिसको हम यहाँ पर एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारी एरर्स देखी विद एग्जाम्पल, और एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है। थैंक यू।